सही बच्चों नमस्कार, मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे रैखिक आवर्तन। ये लेंस से रिलेटेड है, लीनियर मैग्निफिकेशन। जो हमारे पास प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है। यहाँ एक लेंस ले रखा है, उत्तल लेंस है। यहाँ से प्रकाश किरण समांतर जा रही है जो इसके फोकस होकर गुजरती है। ये हमने नियम पढ़ रखे कि समांतर जाने वाली फोकस होकर गुजरती है और दूसरे इसके प्रकाश केंद्र से होकर जाती है, जो सीधे सेंटर से होकर जाती है, वो बिना विस्थित हुए गुजर जाती है। तो ये दोनों किरणें यहाँ मिलती हैं। किरण ये जो ए बी वस्तु होती है इसका प्रतिबिंब ये ए डैश बी डैश पर बनता है। ये हमें पता होना चाहिए, ये हमने डायग्राम पहले बना रखा है। तो ये हमारे पास लेंस का एक डायग्राम है कि एक समांतर जा रही फोकस होकर गुजरेगी और दूसरी प्रकाश केंद्र से जाएगी, सीधी गुजर जाती है। जहाँ पर ये दोनों किरणें आपस में मिलती है वहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब रैखिक आवर्तन होता क्या है? रैखिक आवर्तन का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बन रहा वस्तु से, कितना बड़ा बन रहा है, ये कहलाता है उसका आवर्धन। आवर्धन का मतलब कितना मैग्निफिकेशन और उसका बड़ा बन रहा। तो यहाँ पर इसके अपन डेफिनेशन देते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इन दोनों का जो अनुपात होता है, किसका किसका अनुपात, प्रतिबिंब की लंबाई, ये जो भी लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी होगी, इसका मान लिखना है। प्रतिबिंब की लंबाई और ये वस्तु की लंबाई, इन दोनों का जो अनुपात होता है, रेशो होता है, किसका किसका रेशो, जो इमेज लेंथ होती है उसका और ऑब्जेक्ट लेंथ होती है उसका, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इन दोनों का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम रैखिक आवर्तन कहते हैं। इसको अपन स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। तो रैखिक आवर्तन किसको कहेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इन दोनों का जो अनुपात, अनुपात मतलब उसको अपान में लिखते उसको रेशो बोलते, अनुपात बोलते हैं, को हम रैखिक आवर्तन कहते हैं। अब इसका हम फार्मूला डेराइव करेंगे, एम इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू वी अपान यू का है। तो रैखिक आवर्तन का फार्मूला डेराइव करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना रखा है, ये वही वाला डायग्राम है। अब देखो इसमें एक ट्रायंगल ये बन रहा है, त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश, ये दो ट्रायंगल ले लिया, एक ये वाला त्रिभुज ले लिया और एक ये वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, दो ट्रायंगल ले लिए। ये समरूप है, इनका शेप एक जैसा, आइसोसेलियस है, समरूप त्रिभुज, ध्यान रखना दोनों समरूप त्रिभुज है, एक जैसे त्रिभुज है। अब जब समरूप त्रिभुज होते हैं, आइसोसेलियस ट्रायंगल्स होते हैं, उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ रखा है डायरेक्ट लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, ये वाला प्रॉपर्टी होती है। दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, कि लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार बराबर कर्ण बटे कर्ण, इन भुजाओं का अनुपात यानी इनका रेशो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान हाइपोटेनस, तीनों का रेशो इक्वल होता है, ये कहलाता है हमारे पास समरूप त्रिभुज या आइसोसेलियस ट्रायंगल कहलाता है। अब इसमें हम निकाले रेशो, पहला त्रिभुज ये ले लिया, इसका लंब कौन सा है ए बी, ये लंब है और इसका लंब कौन सा है ए डैश बी डैश, ये हो गया लंब बटे लंब ए डैश बी डैश। आधार पहले वाले का आधार ओ बी, ये इसका बेस है ओ बी, दूसरे वाले का आधार ओ ए डैश ओ ए डैश, ठीक है, इसका लंब ये है ए बी, इसका लंब ये ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश, आधार इसका ओ बी, ओ बी अपान ओ ए डैश, इस तरह से इनके दोनों के हमने निकाल लिए। अब यदि इसमें अपन मान रखते हैं चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि ए बी इस मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई है प्लस लेना है, मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई क्या लेना है प्लस लेना है। चिन्ह परिपाटी ध्यान रखना, हमने पढ़ रखी है कि जो मुख्य अक्ष के ऊपर की जो लंबाई होती है प्लस लें, तो ए बी क्या है वस्तु, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के को हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हम प्लस के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं ओ प्लस। ए डैश बी डैश
एड एस ब्रेस ये मुख्य अक्ष है, इसके नीचे की लंबाई है, इसको माइनस से प्रदर्शित करेंगे। ध्यान तो चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, ये मुख्य अक्ष होती है जिसको हम प्रकाशीय अक्ष बोलते हैं, इसके ऊपर की लंबाई है प्लस, यानी ए बी प्लस लेना है, ए बी वस्तु है ऑब्जेक्ट है जिसको हम ओ से प्रदर्शित करेंगे प्लस से, और प्रतिबिंब एड एस ब्रेस नीचे बन रहा है मुख्य अक्ष के, तो ये इसको हम माइनस आई से प्रदर्शित करेंगे। ये प्रतिबिंब है इमेज, इमेज को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट की वस्तु ओ से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इधर आ जाओ ओ बी, ओ से बी तक की दूरी, लेंस के इधर की दूरियां सब माइनस में होगी, ध्यान रखना लेंस से लेफ्ट साइड की दूरियां माइनस में और राइट साइड की दूरी पॉजिटिव होगी। तो ये ओ बी जो होती है ये वस्तु है, और वस्तु की दूरी को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करेंगे, और प्रतिबिंब की दूरी को बी से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना। तो ये लेंस से इधर की दूरी है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये माइनस होती है, माइनस यू, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये प्रतिबिंब की दूरी है ओ एर एस, ये प्लस वी हो जाएगा, प्लस वी हो जाएगा। अब हमारे पास जो फार्मूला है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर ले जाओ उधर ले जाओ कैंसिल हो जाएगा, ओ बटे आर इक्वल टू यू बटे बी। लेकिन हमारा जो फार्मूला होता है आई बटे ओ आना चाहिए, आई बटे ओ, इसका उल्टा कर दो, हमने इसको उल्टा कर दिया, क्या लिख दिया आई बटे ओ बराबर बी बटे यू। आई बटे ओ प्रतिबिंब की लंबाई, ओ वस्तु की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, उसका रेखिक आवर्धन कहलाता है। तो इसको हमने उल्टा कर दिया, उल्टा करने से आई बटे ओ आ गया, और इसको भी उल्टा कर दिया वी बटे यू हो गया, एल इक्वल टू आई बटे ओ इक्वल टू वी बटे यू, आई प्रतिबिंब की लंबाई और ओ वस्तु की लंबाई इन दोनों का अनुपात ही एम यानी रेखिक आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से फार्मूला हमने सिद्ध कर दिया कि एम बराबर आई अपान ओ इक्वल टू वी अपान यू होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।